गोरखनाथ क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि 80,000 रुपए में से 78,700 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस लाइन सभागार में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में सह महिला अभियुक्त सरिता चौहान ने अपने मकान मालिक के घर से 80,000 रुपए की चोरी की थी। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो महिला और उसके सहयोगी के पास से 78,700 रुपए बरामद हुए, जिसकी पहचान गोरखनाथ थाना क्षेत्र के तुरहाभारी निवासी सरिता चौहान पुत्री सुमई चौहान और रामपुर नवा गांव निवासी श्रीकेश जायसवाल पुत्री रामजी जायसवाल के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। सुभाष चंद्र जायसवाल गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके यहाँ काम करने वाली महिला ने इनके घर को चोरी खरीद किया अपने एक पुरुष सहयोगी के साथ मिलकर। जैसे इनका कहना है कि कुछ नशे का पदार्थ इनके चाय में मिला, ये कुछ देर के लिए बेहोश हो गए और उस दौरान इनके पास रखा हुआ कैश वहाँ से गायब। जांच पड़ताल में स्पष्ट हुआ कि कुल 82,000 रुपये के आसपास रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें से आपके समक्ष दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 77,800 रुपये उसमें से बरामद हुए। चोरी कब हुई थी? ये चोरी 25 तारीख को हुई थी, तो 26 तारीख की तो रात में 25 घर में काम करते थे कि और किसी घर में काम भी करते थे? ये मतलब अन्य जगह भी काम करती है महिला, लेकिन मतलब इनके यहाँ पिछले 1.5 वर्षों से काम कर रही है लगातार। हाँ, रिकवरी हुई है, दोनों से रिकवरी। अमाउंट रिकवर है वो आपके प्रेस नोट में बता दे दिया।